हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम इस 5 साल पुराने लेनोवो के आइडिया पैड 110 को रिपेयर करने वाले हैं। रिपेयर तो नहीं, या यूँ कहें तो रीस्टोर करने वाले हैं, क्योंकि इस लैपटॉप को 5 साल हो चुके हैं। 2017 में मैंने इसे लिया था और इसमें अभी विंडोज़ 10 चल रहा है, जो कि मैं मानता हूँ इसे बहुत ज़्यादा लैगी बना देता है। इट हैज़ 4 GB ऑफ रैम एंड 1 TB ऑफ स्टोरेज एंड डुअल कोर इंटेल i3 प्रोसेसर आई गेस, और 6th generation का ये लैपटॉप है और विंडोज़ इसमें बहुत ज़्यादा लैगी चलता है। बूट होने में इसे 1 या 1.5 मिनट लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस लैपटॉप में क्रोम ओएस फ्लेक्स डालेंगे। मैं इस लैपटॉप में थोड़ा बहुत मल्टीमीडिया यूज़ करता हूँ, इंटरनेट ब्राउज करता हूँ और ऑफिस का कुछ वर्क करता हूँ, और क्रोम ओएस फ्लेक्स में भी वो सारी चीज़ें मैं कर पाऊँगा। अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप क्रोम ओएस फ्लेक्स यूज़ मत करना, क्योंकि दैट डजंट हैव एन एग्जीक्यूटिबल सपोर्ट। तो जैसे कि विंडोज़ में कोई भी गेम्स होते हैं तो वो exe फाइल के रहते हैं, एग्जीक्यूटिबल फाइल्स रहते हैं, तो क्रोम ओएस फ्लेक्स विल नॉट बी सपोर्टिंग दोज फाइल्स। और अगर आपको भी मेरी तरह मल्टीमीडिया, इंटरनेट ब्राउजिंग या थोड़ा बहुत टाइपिंग वगैरह करना है तो उस हिसाब से क्रोम ओएस फ्लेक्स ठीक है आपके लिए। और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ज़्यादा रैम यूजेज नहीं है उसका, ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ नहीं करता, और जो भी मेरे काम है वो सारे के सारे वो ओएस स्मूथली कर देगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप उस ओएस को अपने किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, और क्या उसे इंस्टॉल करना ठीक है कि नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्रोम ओएस फ्लेक्स को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एक पेन ड्राइव होना जरूरी है, विच शुड बी मोर देन 8 GB। और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए हमें एक बूटेबल मीडिया बनानी पड़ती है, जो कि हम इस पेन ड्राइव को बनाएंगे। और क्रोम ओएस फ्लेक्स का जो भी इंस्टॉलेशन मीडिया है हम इस पेन ड्राइव में डाउनलोड करेंगे, जो कि गूगल क्रोम से हो जाता है या किसी भी ब्राउज़र से हो जाएगा वो। तो हम इस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। बूटेबल बनाने के बाद हम इस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में इंसर्ट करेंगे, फिर बूट ऑप्शंस में जाके बूटेबल मीडिया से हम लैपटॉप को बूट करेंगे रादर देन इट्स ओन हार्ड डिस्क। तो चलते हैं अभी अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में और देखते हैं कि कैसे हम इस पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में और हमारा पेन ड्राइव जो है वो इंसर्ट हो चुका है पीसी में। 32 GB का हमारा पेन ड्राइव है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और हमने इसे पहले से फॉर्मेट कर रखा है NTFS फॉर्म में। ऑलराइट, तो लेट्स गो टू अवर क्रोम एंड लेट्स गो टू द क्रोम वेब स्टोर। There we are, Chrome Web Store, और यहाँ पे हमें सर्च करना है Chromebook Recovery Utility। और ये आ चुका है यहाँ पे, और हमें इसे Add to Chrome कर लेना है, Add Extension, और हमने इस एक्सटेंशन को अभी अपने गूगल क्रोम में ऐड कर लिया है। और यहाँ पे बटन है एक्सटेंशंस को शो करने का, और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी, वी नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन, और हम इसे अब मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एंड हियर इज़ द विज़र्ड, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पे ये विज़र्ड खुला है जो कह रहा है कि क्रिएट अ रिकवरी मीडिया फॉर योर क्रोमबुक, यू नीड 8 GB और लार्जर USB फ्लैश ड्राइव, और जो कि हमारा 32 GB का है तो हमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेट्स क्लिक ऑन दी गेट स्टार्टेड बटन, और यहाँ पे फिर अभी ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई और क्रोम बुक, तो अभी हाँ यहाँ पे इस बटन में क्लिक करके सिलेक्ट अ मॉडल फ्रॉम अ लिस्ट, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर में जाकर हमें सिलेक्ट करना है गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट में एक ही प्रोडक्ट है जो कि है दी डेवलपर अनस्टेबल वर्जन ऑफ द गूगल क्रोम एक्स, तो गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पे, और यहाँ पे ये कह रहा है कि इंसर्ट योर USB फ्लैश ड्राइव, और यहाँ पे हमें अपने फ्लैश ड्राइव को सिलेक्ट करना है जो कि मेरा है सैंडिस्क क्रूजर ब्लेड 32 GB, एंड लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। और यहाँ पे फिर ये कह रहा है कि अब ये सारे डेटा और पार्टीशंस को रिमूव कर देगा और एक नई फ्रेश पार्टीशन बना के उसमें गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स को इंस्टॉल करेगा। सो वी नीड टू क्लिक ऑन द क्रिएट नाउ बटन विच इज़ राइट हियर, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाउनलोड करेगा, उसके बाद अनपैक करेगा, और फिर आपसे एक परमिशन मांगेगा येस या नो करने की। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द येस बटन, सो लेट्स वेट फॉर इट टू कंप्लीट इट्स प्रोसेस। और यहाँ पे हमारा रिकवरी मीडिया बन चुका है, और इट सेज सक्सेस, योर रिकवरी मीडिया इज़ रेडी, और हमने अभी डन पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे हमारा जो EFI सिस्टम है वो ओपन अप हुआ है, और लेट्स गो टू दिस PC, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा USB ड्राइव अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और EFI सिस्टम नाम का एक अलग ड्राइव बन चुका है हमारे PC में। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग,
ये इसका फंक्शन ऐसा ही है. सो वी नीड टू इजेक्ट द पेन ड्राइव फ्रॉम आवर पी सी. सो फॉर दैट लेट्स गो टू द ड्रॉअर राइट हियर एंड क्लिक ऑन द इजेक्ट क्रूजर ब्लेड बटन. और यहाँ पे हम अपना पेन ड्राइव निकाल सकते हैं. अब इस पी सी का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है. अब हमें अपने लैपटॉप पे जाना है और हमें इस पेन ड्राइव से उसे बूटअप करना है और फिर वहाँ पे हमें क्रोम ओएस इंस्टॉल करना है. सो लेट्स गो टू अवर लैपटॉप स्क्रीन. और अगर आपका लैपटॉप भी वर्क कर रहा है और आपके लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है या 11 इंस्टॉल्ड है, देन अ सिंपलर ऑप्शन विल बी गोइंग टू द स्टार्ट बटन एंड देन सर्चिंग फॉर बूट. और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि एडवांस स्टार्टअप, स्टार्टअप फ्रॉम अ डिवाइस और डिस्क सच एज यूएसबी ड्राइव. और यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ का बटन होगा, तो वो अपने आप आपको एक स्टार्टअप के ऑप्शन में लेकर चला जाएगा जो कि कहेगा कि यूएसबी ड्राइव से आपको बूटअप करना है क्या. सो यू नीड टू गो टू दैट ऑप्शन फ्रॉम बूटिंग अप फ्रॉम अ यूएसबी डिवाइस. और या तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आपका लैपटॉप वर्किंग नहीं है और आपका लैपटॉप अभी काम नहीं कर रहा है, देन यू कैन डू अनदर थिंग. तो यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप में अपना पेन ड्राइव इंसर्ट करना है और उसके बाद आपको पावर बटन पर क्लिक करना है. उसके बाद आपको बूट ऑप्शन में जाने के फंक्शन की पे क्लिक करना है. मेरे लिए F12 है तो मैं F12 में क्लिक कर रहा हूँ. एंड दिस विल ऑटोमेटिकली टेक मी टू द बूट मेन्यू. और यहाँ पे जाके मैं अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लूँगा. और यहाँ पर क्रोम ओएस फ्लेक्स शो हो चुका है मेरे स्क्रीन में और अब इसका इंस्टॉलेशन विजार्ड स्टार्ट हो चुका है. सो लेट्स क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड बटन राइट हियर. और यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है हमें इंस्टॉल करने के या ट्राई करने के, तो हमें तो इंस्टॉल करना है यहाँ पे. तो हम इंस्टॉल को सिलेक्ट करके यहाँ पे विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. और फिर यहाँ पे आगे बढ़ने के और सारे बटन्स दे रहा है कि इंस्टॉल करोगे तो फिर वार्निंग दे रहा है कि सारे के सारे फाइल्स रिमूव कर देगा. तो मैंने तो पहले से बैकअप कर लिया है, तो लेट्स क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन. और यहाँ पे अभी इसने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया क्रोम ओएस फ्लेक्स को और बहुत जल्दी ही इसने इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर लिया है. और यहाँ पर मुझे ये पैनल शो हो रहा है कि इंस्टॉलेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड. और हम यहाँ पे अब अपने पेन ड्राइव को निकाल लेंगे क्योंकि ये अभी शट डाउन करने वाला है अपने लैपटॉप को और ये कह रहा है कि पेन ड्राइव अपना निकाल दो. तो इसने शट डाउन किया था और अभी इसने अपने आप रीस्टार्ट किया और फिर ये बता रहा है कि अपने डिवाइस को सिंक करो. इसके पहले ऑप्शंस देगा कि वाईफाई कनेक्ट करो, फिर अपना गूगल अकाउंट साइन इन करो. तो मैंने वो सब पहले से ही कर लिया है. तो अब ये बेस गूगल असिस्टेंट आपको चाहिए तो एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो स्किप कर देना. तो मैं तो अभी करेंटली स्किप ही कर रहा हूँ सारी चीज़ें क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं करना, मुझे बस एक ये OS चलाना है. एंड वी आर ऑल सेट नाउ. और हम आ चुके हैं अपने क्रोम OS के डेस्कटॉप स्क्रीन पर. तो मैंने इसका अभी स्क्रीन कैप्चर ऑन कर रहा है. लेट्स गो टू दी नोटिफिकेशन ट्रे. और यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ और साइन आउट करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है हमें इस क्रोम ओएस फ्लेक्स को चलाने के लिए. लेट्स ओपन अप दी गूगल क्रोम. और यहाँ पे बहुत ही आसानी से और विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन द क्लिक, सारे के सारे ऐप्स ओपन हो रहे हैं. ये हमारा फाइल मैनेजर है और कम्प्लीटली फ्रेश है, कम्प्लीटली एम्प्टी है, बिल्कुल ज़ीरो ऑक्यूपाइड स्पेस है. और यहाँ पे हम कुछ भी अपने फाइल स्टोर कर सकते हैं. और लेट्स हेड ओवर टू यूट्यूब. और बहुत ही स्मूथली सारे के सारे ऐप्स ओपन हो रहे हैं. सर्फिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है इस OS में. और मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस हम इसमें देख पा रहे हैं. लेट्स शट डाउन द डिवाइस और आगे बढ़ते हैं आप अपने PC की स्क्रीन पर. सो दैट्स हाउ यू इंस्टॉल क्रोम ओएस फ्लेक्स ऑन योर PC और लैपटॉप. तो अब इंस्टॉल तो कर लिया, अब अपने पेन ड्राइव को वापस वर्किंग कैसे बनाएं, बाकी भी तो काम करना है ना पेन ड्राइव के. तो लेट्स गो टू अवर क्रोम. ऑल राइट. और यहाँ पे हमें वापस से उसी एक्सटेंशन को ओपन अप करना पड़ेगा जो कि ये है, यूटिलिटी ऑप्शन को. और यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन रहता है. लेट मी जस्ट जूम इट इन. तो यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन है जिसमें ये कह रहा है कि इरेज रिकवरी मीडिया. सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट. और यहाँ पे अपने क्रूजर ब्लेड को अपने को सिलेक्ट करना है और लेट्स क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन. और यहाँ पे इरेज नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है. और यहाँ पे परमिशन मांगेगा येस या नो की. और ये फिर यहाँ पे फिर इसने फॉर्मेट कर दिया. अब अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से आप इसको एक बार और फॉर्मेट कर दो जो कि NTFS से करना पड़ेगा आपको. और लेट्स क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड ओके बटन. और यहाँ पे इसने फॉर्मेट कर दिया और अब हमारा जो पेन ड्राइव है वो वर्किंग कंडीशन में आ चुका है. और हम अब अपने पेन ड्राइव को नॉर्मली जैसे यूज़ करते थे वैसे कर सकते हैं. लेट्स गो टू दिस PC अगैन. और यहाँ पे हमारा USB ड्राइव एकदम रेडी है, रेडी टू यूज़. 32 out of 32 GB यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं हम अपने पेन ड्राइव में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन तो है ही, जस्ट कमेंट डाउन योर प्रॉब्लम एंड आई विल बी रिप्लाइंग योर कमेंट एंड फिक्सिंग दैट प्रॉब्लम विथ यू. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.